लोकसभा चुनाव लड़ने का हमारा जो है पक्का इरादा है। अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता जो है वो कहा जाके खून का घोंट भी बैठी, जिस दिन नंबर आवेगा इन्हें जो दो दो का जो हमारे सर इस 10 साल की सरकार में जो है कितने झूठे वादे हुए, और मोदी जी तो जो है इस देश के इस विश्व के जो है सबसे झूठे बलात्कार की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बताओ कहाँ कमी है, चोरियाँ लगातार हो रही। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता के पास जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे प्रदेश में जाना जाता है। उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिस परिवार का जनपद सहारनपुर में अपना एक अलग मुकाम है, अपना एक अलग वजूद है। बात कर रहा हूँ चौधरी परिवार से, चौधरी रुद्र सेन साहब की। ये वो शख्सियत हैं जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिलाध्यक्ष रहे, अब भी समाजवादी पार्टी में कई अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। मौजूदा स्थिति के लिए बात करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव से पहले इस घराने के लिए ज़िले में एक चर्चाएँ उड़ी कि भारतीय जनता पार्टी में ये परिवार जा रहा है और बड़े भाई नाराज़ हैं, छोटे भाई राज़ी हैं। तो एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल, अभी छोटे वाले भाई चौधरी इंद्र सेन अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और 2024 के चुनाव में इस परिवार की क्या रणनीति है और क्या तैयारी है। चौधरी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप एक चर्चाएं जिले में पूरी दौड़ी सोशल मीडिया के माध्यम से, उस सवाल पर मैंने सोचा आज आपसे जवाब ले लूं। और लगातार चर्चाएं चली कि समाजवादी पार्टी आप लोग छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पैंच फंस रहा है कि भाई बड़े वाले भाई नाराज हैं, छोटे वाले राजी हैं। देखो ये सवाल तो पूछने का कोई वैसे उचित तो नहीं है। ये उचित तो मैं इसलिए नहीं समझता, जब ऐसी कोई बात हुई नहीं तो इसका जवाब क्या दिया जाए। समाज जहाँ तक समाजवादी पार्टी छोड़ने ना छोड़ने की बात है, गुस्सा आप अंदाजा लगा लो सन 2014 से जो है बराबर जो है लोग कह रहे हैं कि भाई ये आज छोड़ रहे, आज छोड़ कर भाजपा में जा, आज छोड़ कर भाजपा में जा रहे, आज तक तो हम कहीं गए नहीं। तो उससे आप अंदाज लगा लो कि इन अफवाहों में दम है या नहीं है। ये सरासर जो है ये अफवाह है और हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी में ही हम रहेंगे। हमारी माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में। और जहाँ तक छोटे भाई बड़े भाई की बात है, ये भी बेतुका प्रश्न है। जब बड़ा भाई कहीं जाएगा तो छोटे भाई का हिम्मत क्या है, वो चला जाएगा। तो ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। ये जो हमारे विरोधी हैं उनके द्वारा फैलाई हुई बात है, ऐसी बात तो जय जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो बातें चली, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, कहीं उनमें से भी कोई बातें निकलकर कभी कभी इस तरह की आई कि आप पार्टी छोड़ दीजिए? नहीं नहीं नहीं, हमारा समर्थक कोई भी जय चीज को कह नहीं सकता कि भाई हम जय समाजवादी पार्टी छोड़ रहे। और समाजवादी पार्टी मतलब जय छोड़ने की कोई वजह ही नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग जो हैं वो आपस में जाए इन चीज़ों को जाए अफवाह के तौर फला में, और कुछ नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं। अब एक चर्चाएं जिले में हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी से केराना लोकसभा यानी गठबंधन की ओर से आप चुनाव लड़ेंगे, आपने समाजवादी पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है, इस पर भी जनता राय जानना चाहती है बड़े भाई होने के नाते आपकी। नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ने का हमारा जो है पक्का इरादा है। अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। बस दावेदारी रखने का अधिकार तो सबको है, पार्टी के हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो पार्टी में अपनी दावेदारी रखे। सब अपनी दावेदारी रखो, जिसे पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा और सब मिलकर जो उसको चुनाव लड़ावेंगे। आप सुबह फील्ड में निकल जाते हैं, पूरा दिन आप देहात क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो 2024 के लिए आम लोगों की क्या राय बनने लगी है, आम लोगों से क्या बातें निकल कर आ रही है? वो 2024 में जो है इस सरकार का जाना निश्चित है और निश्चित तौर पर जाएगी। जनता ने अपना मन बना लिया कि 2024 में जो है मोदी जी को विदा करके गठबंधन की सरकार जो है
वो भारी बहुमत से जो है बनने जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा भी बहुत से सर्वे भी आ रहे, गठबंधन जो है लगातार बढ़त की ओर है और किसान इतना नाराज है, बेतुका नाराज है, महंगाई इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर है, मतलब बहुत मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्हें जनता जो है वो कहा जा के वह खून का घोंट भी बैठी, जिस दिन नंबर आवेगा इन्हें जो धो धो का जमा रहे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब एक पार्टी को लेकर भी है, आपके इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ आपका अलायंस पहले भी रहा है, आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? देखो, बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी वो तो जो है इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वे तय करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ जनपद सहारनपुर में एक परिवार और भी है जो राजनीति करता है, लेकिन जो तीसरा आदमी राजनीति करने के लिए आता है, मैं अक्सर हम देखते हैं कि वो अक्सर या तो आपके परिवार के ऊपर या उस परिवार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो अपनी खुद की जमीन तैयार क्यों नहीं करते? ऐसे कई नेता पिछले दिनों में देखने को मिले। उनके पास जो है राजनीति करने का कुछ और जो है मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो कटाक्ष करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं उन्हें इसका भी नहीं समझता कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। आपके भाई साहब चौधरी इंद्र सेन जी अभी अखिलेश यादव से मुलाकात करके आए, क्या बातें हैं उसमें? उनसे भी हालांकि हमने जानकारी ली थी लेकिन बड़े भाई होने के नाते आपके भाइयों की बात हुई हो तो क्या कुछ निकल कर आ रही है? अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, सभी मिलने के लिए जाते हैं, उसी रूटीन में जाए इंद्र सेन भी उनसे मिला और जब दो आदमी मिलेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक चर्चा होगी होगी और जो राजनीतिक चर्चा हुई होगी उन पर वो कोई बताने की बात नहीं होती कि वो सब मीडिया के सामने बताई जाए। अगर कल भविष्य में इंडिया गठबंधन की ओर से किसी अलग कोई अलग चेहरा बनाया जाता है तो चौधरी परिवार किस तरह की रणनीति पर रहेगा, क्या पार्टी के साथ रहेगा या फिर कुछ अलग? अगर कोई और कैंडिडेट बन का वगा होगा तो वो भी गठबंधन का ही प्रत्याशी है, तो गठबंधन के साथ रहेंगे, गठबंधन का साथ देंगे। क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर अभी मौजूदा एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है और कई प्रधानमंत्री के दावेदार, ऐसा लगता है कि कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं इस वक्त, तो जनता जानना चाहती है क्या लगता है इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन दावेदार हो सकता है? ये जो कई जगह जाए अभी भाजपा ने जो है प्रदेशों में जो है चुनाव होने जा रहे तो कई जगह जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कोई नाम ही घोषित किया तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इंडिया गठबंधन भी जाए सत्ता में आने के बाद जो आराम से बैठ कर तय कर देगा, जिस सब तय कर देंगे वो नेता होगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ कितनी सीटों पर लगता है आपको चुनाव लड़ेगी? तो गठबंधन में सीटों का जब तालमेल हो जाएगा तो उसके ऊपर निर्भर है, गठबंधन में कितनी सीटें जाए किस पार्टी पर जाएंगी उसी की बात पता लग। अभी इसके बारे में क्या कह सकते हैं इसके बारे में अभी से? तो आपको लगता है कि जनता अबकी बार एक नए रूप में है और 2024 के चुनाव में एक नया रिजल्ट निकल कर आएगा? बिल्कुल निकल कर आएगा और जनता ने देख लिया इस दस साल की सरकार में जो है कितने झूठे वादे हुए और मोदी जी तो जो है इस विश्व के जो है सबसे झूठे नेता है, उनसे बड़ा झूठ और बड़ी सफाई के साथ उनसे तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो इसलिए कब तक झूठ चलेगा? जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं, जनता भी समझदार है, अब जनता जो है उनके झूठ को जो समझ चुकी है, अब आने वाले चुनाव में जो है इसका पर्दाफाश हो जाएगा, झूठ का पर्दा उठ जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा तमाम जिले के अधिकारियों द्वारा सीधा संवाद किया गया और पूरी हिदायत दी गई किसी भी तरीके कहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाही ना बरती जाए, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये मीडिया में है जो कुछ भी है धरातल पर नहीं है, मीडिया में तो आप चाहे जो चाहे आप कह दो लेकिन धरातल पर देखो ना, धरातल पर कहाँ है भाई? बलात्कार की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है,
बताओ कहाँ कमी है, चोरियां लगातार हो रही। भैया आप भी जो है पत्रकार हैं, क्षेत्र में आप भी घूमते हैं, आपको पता होगा भाई कितनी चोरियां हो रही, कहाँ हो रही कहाँ नहीं हो रही। दिन दहाड़े चोरियां हो रही शहरों में, जब दिन में चोरी हो रही, कस्बों में दिन में चोरी हो रही। कानून व्यवस्था है कहाँ, वो मीडिया में है और तो कहीं है नहीं भाई। अगर टेलीविजन पर आया या अखबारों में है, अखबारों में ठाया बयान दे दिया, इसके सिवा हो रहा है क्या इसके सिवा। रिक्त पदों के लिए भी उन्होंने एक ब्यौरा मांगा है कि बेरोजगारी के लिए जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, जो रिक्त पद है जो खाली पद है उनको भरा जाएगा। तो खाली पद तो जो है जो भी सरकार में आएगा वही भरेगा, अब अतिरिक्त क्या जो है आपने रोजगार दिया वो बताओ आप। अगर रोजगार मिलता तो ये इतने युवा जो है सड़कों पर थोड़े उतते। आप रोजगारी की दर देखिए, जो सरकारी आंकड़े उन्हीं के हिसाब से देख लीजिए आप, रोजगारी की दर बेरोजगारी की दर जो है कितनी बड़ी हुई है। ये तो जो है ये शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, ये बेचारे बेरोजगार से ही हैं, क्या दे रहे हैं ना 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में तो जब कोई आता मिल, 10,000 रुपये में तो जो है आदमी एक महीना का आदमी एक महीना तो एक महीना 10 दिन का भी काम चलता। जो तक देव जी की देन थी इन लोगों के भी जो है 30-35 हज़ार रुपये महीना खर्च दिए थे। और हमें विश्वास है कि जब भी प्रदेश के अंदर अखिलेश जी की सरकार बनेगी हर वर्ग के लोगों को जो है उनका अधिकार मिलने का काम होगा और हर वर्ग के लोगों को जो है वो काम दिया जाएगा। अंतिम और आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करने जा रहा है? इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ लड़ेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और उत्तर प्रदेश से ही जो है इनकी सरकार की विदाई जो होगी वो उत्तर प्रदेश से होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रुद्रसेन। इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, केंद्र की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी। एक लगातार जिले में अफवाह उड़ी कि छोटे भाई नाराज बड़े भाई से कि वो पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इन सभी बातों पर अब विराम पूरी तरह से लग चुका है। और अभी पिछले दिनों इंद्रसेन अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके आए और उन्होंने पूरी तरह से उसका खुलासा किया कि चुनाव लड़ने की हमारी बातें हुई, आने वाला वक्त किस तरह होगा, केरल लोकसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन की ओर से, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चौधरी परिवार ने भी यहां पर दावेदारी पेश कर एक नया कार्ड खेला है। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए, मैं इसराइल चौधरी।